गोरखपुर से खबर है, गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि सप्ताह के अंतर्गत व्याख्यान का शुभारंभ हुआ है। सीएम योगी मंच पर है, आपको वहीं लेकर चलते हैं। अपने पूज्य आचार्यों की स्मृति में साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाता है। साप्ताहिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम दो सत्रों में, पूर्वाह्न के सत्र में समाज और राष्ट्र से जुड़ी हुई उन ज्वलंत समस्याओं को लेकर के जो हमारे अतीत वर्तमान और भविष्य को प्रभावित किया है या प्रभावित कर रहा है या प्रभावित करने वाला है, उन सभी समसामयिक विषयों को लेकर के संगोष्ठी का आयोजन होता है। तो अपराह्न के सत्र में यहाँ पर कथा प्रवचन का एक सुंदर आयोजन भी इस अवसर पर संपन्न होता है। आज साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह की समसामयिक विषयों से संबंधित संगोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम का है और आज की संगोष्ठी का जो विषय यहाँ पर आयोजन समिति की ओर से रखा गया हुआ था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव संकल्पना से सिद्धि तक। अभी 15 अगस्त 2022 को इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के महत्वपूर्ण उद्बोधन को पूरे देशवासियों ने सुना। हम सब भारतवासी इस बात के लिए गौरवान्वित हैं कि हम सब अपने देश की आज़ादी के 75 वर्ष के इस समारोह में सहभागी बने, अलग अलग स्तर पर बने, स्कूल कॉलेजेस में हुए समारोह के माध्यम से बने होंगे, प्रभात फेरी के माध्यम से बने होंगे, स्वच्छता अभियान के माध्यम से बने होंगे और हर घर तिरंगा के माध्यम से भी बने होंगे। पहली बार लगा कि कोई राष्ट्रीय पर्व केवल सरकारी आयोजन नहीं बल्कि इसमें जन भागीदारी भी है और जन भागीदारी के माध्यम से आयोजन कैसे होते हैं इसका एक दृष्टांत आज़ादी के अमृत महोत्सव ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया। इसकी प्रेरणा थी प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो रूपरेखा पूरे देश के सामने रखी कि आखिर आयोजन केवल सरकारी आयोजन न बने, आजादी किसको, केवल राजनीतिक आजादी नहीं मिली देश को, भारत को 15 अगस्त 1947 को संपूर्ण आजादी मिली है और संपूर्ण आजादी में संपूर्ण देश की सहभागिता भी देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर होनी चाहिए और वह अवसर पर पहली बार देखने को मिला कि हर घर पर तिरंगा फहराने का कार्य हर भारतवासी ने किया था। आजादी के अमृत महोत्सव में जन भागीदारी इसका उदाहरण है। भारत अपने संकल्पों को सिद्धि में बदल रहा है, इसका एक उदाहरण आप सबके सामने मैं देना चाहूंगा, वह है अभी आपने देखा होगा कि भारत ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, यानी जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, आज भारत की अर्थव्यवस्था उस ब्रिटेन से बड़ी हो गई है या भारत के यशस्वी नेतृत्व की पूरे देश के संकल्प को सिद्धि में बदलने की सफलता का एक उदाहरण पूरे देशवासियों के सामने है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों को इस बारे में आह्वान भी किया कि देश को आजादी अचानक नहीं मिली, आजादी के लिए
इस देश को अहर्निश प्रयास करना पड़ा, अनगिनत बलिदान देने पड़े। अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम हुए, संभवतः भारत दुनिया के उन चंद देशों में से एक है जिसने भले ही किन्हीं कारणों से उसे पराजय प्राप्त हुई हो, लेकिन उसने कभी पराजय को स्वीकार नहीं किया। वो निरंतर उसके खिलाफ लड़ता रहा। ये लड़ाई चाहे वह पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई रही हो, चाहे वह महाराणा प्रताप की मुगलों के खिलाफ लड़ाई रही हो, वह लड़ाई चाहे वह छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी की रही हो, लगातार देश की आजादी के लिए लड़ते रहे थे और अपने राजे रजवाड़े की सुरक्षा के लिए नहीं, भारत के स्वाभिमान और सम्मान को बचाने के लिए लड़ते रहे। लेकिन उस लड़ाई में जहां राष्ट्रीय स्वाभिमान था, वहीं पर अगर किसी एक चीज की कहीं पर हम लोग देखते हैं कि पूरे देश के अंदर जिस लड़ाई को मेवाड़ से महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, अगर पूरा देश उस समय भी एकजुट होकर के उनके नेतृत्व में लड़ा होता, तो मुगलों के छक्के वहीं पर छुड़ा करके भारत को सदैव के लिए किसी प्राधीनता से मुक्त करने का कार्य उसी कालखंड में हो गया होता। जिस लड़ाई को छत्रपति शिवाजी महाराज लगातार लड़ते रहे, अगर उनके नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ा होता, तो आने वाले समय में इस देश में आसन्न गुलामी के संकट नहीं देखने को मिलते। जिस लड़ाई को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लड़ रहे थे, पूरा देश एकजुट होकर के उनके साथ उस समय लड़ा होता, तो संभवतः देश के सामने फिर यह प्राधीनता नहीं देखने को मिलती। लेकिन पूरा देश एकजुट होकर के लड़ा था 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर में। पूरे देश के अंदर जगह जगह आजादी के लिए लोगों ने हुंकार भरी थी। कहीं बैरकपुर में मंगल पांडे के नेतृत्व में लड़ाई आगे बढ़ती है, कहीं गोरखपुर में शहीद बंधु सिंह के नेतृत्व में लड़ाई आगे बढ़ती है, कहीं मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में लड़ाई आगे बढ़ती है, कहीं झांसी में ये लड़ाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में आगे बढ़ती है, कहीं बिठूर में त्यात्या टोपे के नेतृत्व में लड़ाई आगे बढ़ती है। और देखते ही देखते पूरे देश के अंदर अलग अलग स्थानों में कोई जनपद, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां पर देश की आजादी के लिए लोगों ने उस समय हुंकार न भरी। और पहली बार लगा था कि भारत पराधीनता से मुक्त हो जाएगा। उस समय भले ही उस राष्ट्रीय एकता के सूत्र में उस प्रथम स्वातंत्र समर को पिरोने के लिए जो अभियान प्रारंभ हुआ था, वह ज्वाला कभी बुझने नहीं पाई, निरंतर चलती रही और निरंतर चलती रही। कभी इसके बाद आपने देखा होगा चोरी चोरा में 1922 में चोरी चोरा की घटना होती है, इतिहास प्रसिद्ध घटना। लखनऊ में काकोरी की घटना होती है, काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अस्पाउल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्रनाथ लहड़ी और ऐसे उन क्रांतिकारियों को जगह जगह फांसियां दी गई, लेकिन देश की आजादी की लौ नहीं बुझी, वह निरंतर प्रज्वलित होती रही। ऐसे अनगिनत बलिदान हुए और उसका परिणाम था 15 अगस्त 1947 को अंततः यह देश स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र भारत अपना संविधान भी बनाता है,
आज भारत 75 वर्षों की आज़ादी के बाद की अपनी एक यात्रा को लेकर के निरंतर आगे बढ़ा है और 75 वर्ष में ही हम लोगों ने ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने में भारत ने सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को जो संकल्प दिलाए हैं उस संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए उसकी शुरुआत हो चुकी है और उस दृष्टि से हर भारतवासी का दायित्व क्या है, विकसित भारत चाहिए तो विकसित भारत कैसा बनेगा, विकसित भारत के लिए केवल भारत को विकसित बोल देने से विकसित नहीं होना है, विकसित करने के लिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। जिस भी क्षेत्र में है, विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है अपने स्वयं के प्रति, अपने स्कूल के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति, अपने परिवार और अपने समाज के प्रति, अगर वह अपने इन कर्तव्यों के बारे में जान जाए। एक शिक्षक स्कूल के प्रति, अपने छात्रों के प्रति, अपने परिवार और अपने राष्ट्र के प्रति उसका क्या दायित्व है, इस भाव के साथ कार्य करने लग जाए, अपने कर्तव्यों का अपने अपने क्षेत्र में पालन करना। कर्तव्य पालन करते समय हम इस बात को ध्यान में दें कि हम अपने स्वयं के लिए न जिए बल्कि हमारे लिए देश प्रथम है, भारत प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, यह भाव होना चाहिए। नेशन फर्स्ट की थ्योरी हम सबके मन में, दिलो दिमाग में होनी चाहिए कि भारत के लिए हम जिएंगे और भारत के सर्वांगीण विकास के लिए भारत। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप गोरखपुर से सुन रहे थे और किस तरीके से विकास की जो ये रफ्तार है और बेहतर हो सकती है हर क्षेत्र में, उसका यहाँ पर जिक्र आयुषी कर रहे थे सीएम। और चाहे वो शिक्षा जगत में हो या फिर विकास के किसी भी क्षेत्र में, अगर सहयोग है तो फिर ये विकास और तेजी से होगा, इसका भरोसा सीएम ने दिया। बिल्कुल, और इन बातों का भी जिक्र किया, अर्थव्यवस्था को लेकर भी जिक्र किया, विकास को लेकर भी यहाँ पर जिक्र किया कि आज जो तमाम जो देश हैं उनसे भारत आगे निकल चुका है विकास की रफ्तार में और आगे आने वाले समय में और भी आगे सबसे नंबर वन पर भारत देखने को मिलेगा अगर विकास की रफ्तार हम इस वक्त भारत की देखें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।